आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सभी की मनपसंद और बच्चों की सबसे फेवरेट सूजी की एक ऐसे स्नैक्स की रेसिपी जिसे देखते ही बनाना चाहोगे और इसे खाने के बाद आप मार्केट वाले फ्रोजन प्रोडक्ट्स जो है वो लेना बंद कर दोगे। सिर्फ दो चीज़ों से बनी हुई ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए कितने कुरकुरे और करंची बने हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले गैस पर एक पैन चढ़ा देना है और उसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैंने लिया है एक चम्मच जीरा और एक चम्मच राई। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा। अब जीरा जो है जैसे ही अच्छे से चटकने लगेगा उसके साथ हम ऐड कर देंगे राई। अब दोनों चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दो चम्मच तिल। तिल जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इसमें ऐड करूँगी कुछ सब्जियाँ। मैंने ली है थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ा सा गाजर और दो ली हुई है हरी मिर्च। अब इन सब्जियों को जो है मसालों के बीच अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। तो चलिए ये मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे दो कप पानी। तो साथ ही में डालेंगे टेस्ट अनुसार नमक और थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च और एक चम्मच डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स। साबुत मिर्च जो होती है उनको कूट कर जो है चिली फ्लेक्स बनाकर आप डाल सकते हो। तो अब पानी को बॉयल होने देना है। ये देखिए बॉयल हो चुका है। तो अब मैंने ली है एक कटोरी सूजी। सूजी बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो मोटी सूजी को जो आप मिक्सी में पीस सकते हैं। तो सूजी हमें एक साथ नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और स्पून की हेल्प से इसे हमें कंटिन्यूसली हिलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आए। एक साथ अगर सूजी डालोगे तो बहुत ज़्यादा लम्स आएंगे, इसलिए धीरे धीरे जो है सूजी हमने इसमें ऐड करनी है। और आँच जो है उस पर हमने मीडियम पे रखना है। आँच को अगर जो तेज़ रखोगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो सूजी है एकदम से जो है हार्ड हो जाएगी, मतलब सॉफ्ट नहीं बनेगी और ना ही पकेगी। तो धीरे से जो है धीमी आँच पर हमें इसे पकाना है ताकि हमारी जो सूजी है अच्छे से फूल जाए और एक अच्छा सा स्मूथ सा जो है इसका डो बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए मैंने धीमी आंच पर इसको पकाया है और हमारा जो डो है एकदम स्मूथ बनके तैयार हो रहा है और सूजी जो है काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। सूजी जितनी हमारी फूलेगी उतने अच्छे ही हमारे जो ये पोटैटो बाइट्स हैं वो बनेंगे। तो ये देखिए हमारा जो ये बैटर है डो फॉर्म में बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम निकाल देंगे एक बड़ी प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो चलिए एक मैंने प्लेट ले ली है, अब मैं इसमें इसको डाल देती हूँ ठंडा करने के लिए। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैंने लिए हैं दो आलू और उनको अच्छे से मैश कर दिया है। अब इन मैश्ड पोटैटोज़ को जो है हमने सूजी वाले इस बैटर के बीच डाल देना है। साथ में डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से मिक्स करेंगे। हरे धनिया से जो है टेस्ट बहुत ही बढ़िया सा आएगा और हमारा जो बैटर है मसालों का इसमें बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है। तो इसको हमें अच्छे से मसल मसल कर जो है गूंदना है ताकि हमारा जो डो है एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो। अगर आपको लगे कि आपका जो बैटर है थोड़ा सा गीला है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा डाल सकते हो या चावल का आटा या बेसन। तो मैंने मैदा डाला है। तो अब देखिए हमारा जो ये डो है एकदम बढ़िया से स्मूथ बनकर तैयार हो गया है। इसमें जो है देखिए हमारे बैटर में कितना अच्छा सा कलर आया है वेजिटेबल्स का और मसालों का। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा बैटर लेकर एक लोई टाइप निकालनी है और उसको अच्छे से हाथ पर रोल करना है और एक बोर्ड लेना है और बोर्ड पर जो है हमें इसे रोल करके जो है शेप देनी है, एक लंबी सी शेप। तो ये देखिए मैं इस तरह से दोनों हाथों से जो है हथेली की हेल्प से बोर्ड पर इसको फैला रही हूँ। ये देखिए इस तरह से एक स्टिक सी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, नाइफ की हेल्प से उसको कट कर देना है छोटे छोटे पीसीज में, बिल्कुल जो पोटैटो बाइट्स होते हैं उस तरह की हमें जो है शेप देनी है। तो अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसीज को इक्वल करने के लिए जो है हाथ से इसको शेप देंगे इस तरह से टैप करके और फिंगर की हेल्प से इसको दबाते हुए पोटैटो बाइट वाली जो है शेप दे देंगे। तो मैंने एक साथ सारे पोटैटो बाइट्स जो है बनाकर तैयार कर दिए हैं। तो इसमें से जितने आप अभी फ्राई करने कर सकते हो, बाकी जो है इनको आप जैसे फ्रोजन
पोटैटो बाइट्स होते हैं उस तरह से किसी बंद डिब्बे में जो है स्टोर करके रख सकते हो और फ्रीजर में रख देना है, जब आपका मन करे उस टाइम इसको फ्राई करके खा सकते हो। तो अभी मैं पोटैटो बाइट्स जो है फ्राई करके दिखाती हूँ। पहले गरम ऑयल में मैं थोड़ा सा बैटर चेक करने के लिए डाल रही हूँ हमारा ऑयल जो है गरम हुआ है कि नहीं। तो ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, तो अब थोड़े थोड़े करके इस तरह से धीरे से पोटैटो बाइट्स जो हमने तैयार किए हैं उनको तेल में डाल देती हूँ फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में जो है हाई फ्लेम पर इनको पकाना है, और जब थोड़े से ये इनका कलर ब्राउन सा होने लग जाएगा तो आंच को जो है हमें मीडियम पर रख देना है ताकि हमारे जो ये बाइट्स हैं अंदर तक अच्छे से पक जाए। हाई फ्लेम पर रखने से जो है ये बाहर से जो है जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए स्टार्टिंग में फ्लेम जो है उसे हाई रखना है। जैसे ही बाइट्स का थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे तो फ्लेम को हमें मीडियम पर रखना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो अब इनको मैं निकाल देती हूँ एक प्लेट में। ये देखिए कितने कुरकुरे बने हैं, आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए मैं एक देखिए क्रंची इस तरह से तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है और अंदर तक अच्छे से पका हुआ है, बिल्कुल एकदम मार्केट जैसे पोटैटो बाइट्स होते हैं ना सेम उसी की तरह लग रहे हैं, और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आता है। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना, आपके जो बच्चे हैं उनको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आपको बार बार मार्केट से पोटैटो बाइट्स लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, घर पर ही झटपट से आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हो। कभी कोई अचानक से गेस्ट आ जाए तो घर पे कुछ नहीं होते हैं स्नैक्स, तो आप इस तरह से सूजी और आलू का जो इजी स्नैक्स है बनाकर तैयार कर सकते हो, और गर्मा गर्म इन स्नैक्स को जो है आप हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। फ्रेंड्स आज की रेसिपी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।